कामगार नेता स्वाभिमान मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष संदीप राणे से मीरा भाईंदर की समस्याओं और सुविधाओं पर एक खास मुलाकात। सुप्रिंटिंग समाचार के साथ मीरा भाईंदर में बिना परमिट के कई रिक्शे, एक परमिट पे दो दो रिक्शे, आखिर गलती किसकी? आरटीओ के कुछ दलाल मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय रिक्शा चालकों को लूटने का कार्य कर रहे हैं। आखिर प्रशासन चुप क्यों है? पेश है सुप्रिंटिंग समाचार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमित सारस्वत और सुप्रीम समाचार में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीरा भाईंदर की। आप सभी जानते हैं कि कितना करप्शन है मीरा भाईंदर में, लेकिन आज उस व्यक्ति का मैं इंटरव्यू लूंगा जो करप्शन के अगेंस्ट में है। उन्हें चैंपियन कहा जाता है गरीबों का और कामगारों का। मीरा भाईंदर के कर्मठ नेता संदीप राणे, जो नारायण राणे के भी काफी क्लोज है, उनसे बात करके जानते हैं आखिरकार मीरा भाईंदर में हो क्या रहा है और वो करप्शन के अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन ले रहे हैं। राणे जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, सवाल लोडेड है, मीरा भाईंदर में इतना करप्शन, आपने रिसेंटली एक एड्रेस पे 25 परमिट रिक्शा में, अथॉरिटी के पास में जाओ तो जवाब देते नहीं है, एक्शन लेते नहीं है। आपकी मेहनत रंग लाई, एंटी करप्शन ने जांच बिठाई है, ऑफिसर पे भी इंक्वायरी हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में एक दिन ब दिन एक पूरा परिसर एक पॉपुलेशन से भरा जा रहा है। यहाँ पे गरीब लोग रोजी रोटी करने के लिए आते हैं, यहाँ पे यूपी के कुछ भाई लोग यहाँ पे मीरा भाईंदर में रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। तो इन्होंने गांव से ये लोग बेचारे अपनी खेती सब बाड़ी बेच के यहाँ पर मीरा भाईंदर में कुछ एजेंट के शिकार बन गए। उसका कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर में रिक्शा परमिट जो आज डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए में बेचा जाता है, तो उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया था और एक ही एड्रेस के ऊपर 10-10, 20-20 परमिट इशू हुआ है। और ये मैंने इंक्वायरी कर, एक ही नंबर के दो दो रिक्शा, ये भी मैंने नवगर पोलिशन के माध्यम से एमजी पाटिल साहब हमारे जो थे उनके माध्यम से मैंने पकड़ा है। और मैं आपको ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में थाना आरटीओ लगता है और थाना आरटीओ में जो कुछ ऑफिसर्स थे जिनका नाम मैंने यहाँ पे लेटर में लिखा हुआ है, उनके माध्यम से एक एक परमिट पास करने का जिसका कोई संबंध नहीं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार का सब लोग लेते थे। और मीरा भाईंदर ने 5 से 6 हज़ार रिक्शा जो परमिट ऐसे इन्होंने पास किए, डुप्लीकेट आधार कार्ड, पैन कार्ड, डुप्लीकेट उसका रेसिडेंस प्रूफ, और इसमें खाली आरटीओ नहीं, इसमें पूरा रैकेट है। इसमें स्थानीय पुलिस स्टेशन का भी इंक्वायरी होना चाहिए। आज बहुत बड़ा रैकेट भिवंडी में जो पकड़ा गया है कि डुप्लीकेट परमिट वगैरह, तो वही माध्यम से इंक्वायरी इनके एजेंट के ऊपर भी आए थे। सब एजेंट भाग गए थे मीरा भाईंदर से। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में असंख्य ऐसे प्रश्न है जो गरीब लोग को फंसाने का काम हो रहा है। आपको मैं खास करके मीरा भाईंदर का और एक चीज़ बताता हूँ। मीरा भाईंदर में एज पर लॉ नगर पालिका को सर्वे करना चाहिए कि हमें यहाँ पे परमिट कितना लगता है। परमिट लोक संख्या के हिसाब से परमिट दिया जाता है। लोक संख्या बिगर कुछ कैलकुलेशन नहीं की करने के बाद में जैसे इनलीगल एयर रिक्शा जो परमिट दिए हैं, ये नागरिकों के लिए घातक है। आज हर एक आप कोई भी स्टैंड पे जाइए, कायदेसर एक भी स्टैंड किधर है नहीं, लीगल एक भी स्टैंड मीरा भाईंदर में नहीं है। मीरा भाईंदर में आज के तारीख में कम से कम 250 स्टैंड जरूरी है, लेकिन आज के तारीख में खाली गिन के 2 से 4 रिक्शा स्टैंड कायदे से है, बाकी एक भी कायदे का स्टैंड है नहीं। बस स्टॉप कायदे के नहीं है। हर एक रिक्शा वाला बेचारा किधर खड़ा रहने को जाता है, तो मेरा गेट है, मेरा दुकान है, मेरा गेट है, तो ऐसा करके आजू बाजू में सब झगड़ा हो रहा है सोसाइटी के अंदर। तो एक भी कारण नगर पालिका का ध्यान नहीं है इसके ऊपर, आरटीओ का ध्यान नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का ध्यान नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी ये भ्रष्टाचार है। जो वार्डन आज आप जो देख रहे हैं रोड के ऊपर, वही वार्डन आप कल इंक्वायरी करिए आपके हिसाब से कि वार्डन वो जगह पे है क्या। वार्डन का जगह सिलेक्ट होता है कि भाई ये अमुक आदमी अमुक स्टैंड पे दिखेगा, वो आपको दिखेगा किधर, पुलिस स्टेशन के अंदर चाय उठा रहेगा, टेबल पे कपड़ा मारने के लिए उसको रखा है, ये वार्डन का काम नहीं है ना। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ट्रैफिक, आरटीओ, नगर पालिका सब इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। क्योंकि नागरिकों को तकलीफ है, अगर कल समझो कि कोई लड़की का रेप हो गया, कल बॉम्ब फूट गया, कल कुछ इनलीगल चीज़ हो गई, तो उसका जवाबदार कौन है? स्थानीय प्रतिनिधि कोई तो ध्यान नहीं दे रहा है, अभी आमदार खासदार किसी का ध्यान नहीं है, खाली उनका बस ध्यान चल रहा है बस भ्रष्टाचार किधर हो रहा है, किधर नाले का काम चल रहा है, किधर बिल्डिंग का इनलीगल काम चल रहा है, किधर भरनी हो रहा है, उसके ऊपर उनका ध्यान है, लेकिन नागरिकों का किसी का ध्यान नहीं है। इसके लिए मैं
महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष की तरफ से आपसे आपके माध्यम से इनको ये जो अधिकारी इनको मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो कल अपने लिए आप खट्टा खोद रहे ऐसा हो रहा है। आपकी मेहनत को देख के ये लगता है कि छोटी सी भी गलती आप सहन नहीं कर सकते, ना ही आपका संगठन। इसका उदाहरण है बिग बाजार। आपने बिग बाजार को बिग लेसन सिखाया है। आज उन पे इंक्वायरी है, पत्र भी हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। कहीं ना कहीं बड़े मॉल्स जो अपनी मनचाही करते उनको बताया कि अगर थोड़ी भी गलती की, पब्लिक को अगर लूटने की कोशिश की तो राणे साहब नहीं छोड़ेंगे। क्लियर मैसेज है उनको। 101% मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिग बाजार जैसा है मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। इनका मतलब जो बैक डेटेड से माल बेचना, इनको आज की तारीख में हमने जो पकड़ा है, जो तेल का एक अबाव मतलब जो फिक्स रेट है, जो वैलिड है, उससे ज्यादा रेट से बेचने का ये गुना है बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत बड़ा कायदा निकाला इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कायदा हो रहा है, कायदे पे इसको कायदे से कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। ऐसा उन्होंने पुलिस स्टेशन में और रजिस्टर वेट एंड मेजरमेंट वाले को हमने भी कंप्लेन किया है और उसके ऊपर इंक्वायरी चालू है। और इसके उसके पहले भी यूट्यूब पे आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बिग बाजार में हर एक जो केसेस हो बिग बाजार की है, क्योंकि इनका ध्यान नहीं है इसके ऊपर। ये किशोर बियानी और ये जो इसमें बियानी जो इनकी जो ग्रुप है, इनका काम ही वो है। आज बड़े बड़े मॉल्स में आप देखो, डीमार्ट में क्यों नहीं होता है, डीमार्ट में क्यों ना, डीमार्ट से आज लोग बहुत विश्वास से जाते उधर, क्योंकि उनका मालूम है कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अबव जो प्रिंटेड रेट के ऊपर बेचना बोले तो बहुत बड़ा गुना है और ये नागरिकों के साथ में खिलवाड़ है। इसके लिए हम लोग सहन नहीं कर सकते, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग जड़ तक जाएंगे इसके, और भी हमारा कहना है, मैं ऑफिसर से बात करने वाला हूँ और उनको जड़ से जाके इनके बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और खाली ये मॉल नहीं, बॉम्बे में और महाराष्ट्र में जितने मॉल हैं सबके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए मेरा जाहिर और पे, और वो मैं करने वाला हूँ जल्दी में जल्दी। नाने साहब, आपके काम को देख के ये लगता है कि आपके खिलाफ पुलिस है, आपके खिलाफ सरकार है, मनपा अधिकारी है, आप फाइटर है। मैंने जितना रिसर्च किया आपके गूगल पे कि सामने कोई भी खड़ा गलत है तो गलत है, आप एक्शन लेके रहेंगे, उसमें सुधार और सही करके रहेंगे। कैसा लगता है जब पुलिस नहीं सुनती लोगों की, मनपा अधिकारी तो हम सभी जानते हैं कैसे एक्शन करते हैं, सरकार भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, आप अकेले लड़ते हैं, कामगार नेता आपको कहा जाता है, कितना फील होता है इस बारे में? मैं कामगार क्षेत्र का काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आपको कामगार का विषय निकला, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक बहुत बड़ी नगर पालिका है और इसके अंदर रति महारती स्थानिक लोग नगर सेवक है, स्थानिक भूमिपुत्र नगर सेवक है, स्थानिक भूमिपुत्र आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में काम करते हैं, जिनकी जगह खुद की थी उन्होंने बेच के बिल्डर को बेच के आज खुद काम करें नगर पालिका में। नगर पालिका में काम करने के बाद अधिकारी आयुक्त हो आमदार खासदार में जाहिर आरोप कर रहा हूँ आमदार खासदार के ऊपर कि आज ये बाकी का छोड़ो, बड़े बड़े बिल्डर तो आपके पास आएंगे लेकिन आज स्थानिक लोगों के लिए आप क्या काम कर रहे हो। आज फायर ब्रिगेड में भर्ती जो हुआ उसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, उसके अंदर ऐसा भ्रष्टाचार है कि हर एक नगर सेवक के दो दो बंदे काम के काम पे रखे हुए और उनको PF कौन देगा, ESSC कौन देगा, आज उनका परिवार का संरक्षण कैसा करेंगे आप लोग, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। बस आज ये नगर सेवक का दो आदमी, वो दो नगर सेवक का दो आदमी, कचरे का टेंडर उनको ही, ऐसा नहीं चलेगा। कामगार के हित में जो भी रहेगा उनको सोचना चाहिए। आमदार खासदार आज जो है, खाली आप बिल्डर की लॉबी अगर देखते रहेंगे, आपका पेट भरते रहेंगे, उससे कुछ काम होने वाला नहीं। यही जनता आपको फिर सबक सिखाने को भी आगे पीछे देखेंगे नहीं, क्योंकि आपने देखा है कि महाराष्ट्र में या पूरी दुनिया में अगर कोई नेता ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है तो उसको जनता सबक कैसी सिखाती है आप देखते हैं। मेरा यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक और आमदार खासदार राजन बिचारे जी है, प्रताप सरनाइक जी है, गीता जैन जी है, नरेंद्र मेहता जी है, मुजफ्फर हुसैन जी है, इनको सबको कहना है कि नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ करो, ताकि क्या है गरीब जनता जो है स्थानीय भूमि पुत्र है, आज स्थानीय भूमि पुत्र को अगर अपन प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कहाँ से आप दूसरा क्या काम है फिर दूसरा खाली इनका काम वही है क्या, बिल्डर का लॉबी देखने का, खाली बस डेवलपमेंट देखने का, ये काम नहीं है। लोगों को सुविधा होनी चाहिए। आज दिन भर दिन नगर पालिका में आप जाओ, मेरा आरोप है, मुझे बुलाओ नगर पालिका, मैं आने को तैयार हूँ वहाँ पे। आज वर्कर लोग बहुत ही परेशान है, उनको अगर ज़्यादा कुछ बात किया जाएगा उसको पगार मांगेगा, दो दो तीन तीन महीना पगार नहीं, PF नहीं। आज नरेंद्र मोदी साहब ने जो स्कीम निकाला उसको स्कीम का किधर लाभ हो रहा है, वर्कर को एक पैसे का लाभ नहीं हो रहा उसके अंदर। आप इंक्वायरी को बना जाहिर आरोप है, आयुक्त साहब को मैं मिलने वाला, आप अगर आते रहेंगे तो मुझे मेरा भी उधर इंटरव्यू और आयुक्त साहब का भी ले लो। कौन सा वर्कर आज नगर पालिका में सुखी आज मुझे बताओ, बेचारे मजबूरी में काम कर रहे हैं, उनको प्रोविडेंट फंड नहीं,
आज उनको LIC नहीं, आज उनके परिवार का अगर कुछ हो गया एक्सीडेंट हो गया कोई नहीं, बीच में कामगार मर गए वो पॉट होल के अंदर जाके ड्रेनेज के अंदर जाके, क्या हुआ उनका? किसी ने सोचा? कोई आमदार खासदार उनको देखा क्या? बाबा इसके परिवार को क्या मिलने वाला है, उसके परिवार को कोई सदस्य को कोई काम दिला हो, ऐसा कुछ ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। मेरा बोलने का मतलब ये कि है कि गरीब लोग के पीछे आप खड़े रहो ताकि कितना ना कितना अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए। पार्टी को भी, पार्टी को मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। आपको आमदार खासदार बनाया ना तो आपका फर्ज है, वो कोई भी पार्टी का नहीं, कोई नागरिकों के लिए काम करना चाहिए। आपने जो बात रखी वो बहुत सही है, बहुत जल्दी अमल होना चाहिए इन बातों पे। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सवाल ये है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप मिलते हैं, आप लेटर देते हैं, ऑफिसर से मिलते हैं, सब कुछ करते हैं जितना आप सीमा में कर सकते हैं। अगर एक्शन नहीं होता है, चीजें सही नहीं होती है, तो आप अपने स्टाइल में, जैसे नीतीश राणे जाने जाते हैं, आप वो स्टाइल में काम करेंगे फिर? एक्सेप्ट का काम है। नीतीश राणे सबसे पर्सनली बात करने वाला हूँ, मैटर में नारायण राणे साहब से भी बात करने वाला हूँ। इसमें पार्टी का सवाल नहीं आता कोई भी। मेरा बोलने का वो देखिए कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे काम होना चाहिए। आज कामगार क्षेत्र का मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई भी नेता हो, आज शिवसेना का रहे, भाजपा का, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं नीतीश राणे साहब से ये रिक्वेस्ट करने वाला कि नगर पालिका एक बार विजिट देखे, जो भी कामगार, मैं कामगार मेरे मेंबर नहीं है, लेकिन मेरे पास उनके लेटर्स बहुत है कि तकरार है। आज फायर ब्रिगेड के अंदर, फायर ब्रिगेड के अंदर ट्रेनिंग दिया गया है लोगों को, लोगों को अपॉइंटमेंट दिया गया है, और दूसरे नगर सेवक आदमी आए इसके लिए उनको निकाला भी गया है, स्थानीय भूमि पुत्र है, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। और मैंने दो बंदे को, मैंने जब भी मैंने फ़ोन किया, जब भी उनको रखा गया है ऑफिस काम पे, तो मेरे पास पूरा। इसलिए मैं नीतीश राणे साहब को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि नगर पालिका में आके कामगारों के हित में बात करने, खाली वही टॉपिक के लिए मैं बुलाने वाला हूँ नीतीश राणे साहब को, और वो करेंगे। और वो नहीं, अब अगर हमारा विनंती को मान नहीं देंगे, फिर हमारा रास्ता खुला है, फिर हम लोग कामगार के हित में जो भी रहेगा कदम उठाने का हम लोग आगे पीछे देखेंगे। संदीप राणे जी, आपसे बात करें और ट्रेड यूनियन के हितों की बात नहीं, वैसा तो हो नहीं सकता। ट्रेड यूनियन मुंबई में है, आप उनके बहुत ही टॉप लीडर है, कोई भी काम प्रॉब्लम आती है तो आप यू आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ट्रेड यूनियन के लोगों से मैंने बात की यहाँ पे आने से पहले, काफी संतुष्ट है आपके काम को लेके। फ्यूचर में कोई ऐसा विजन आपका उनके लिए? मेरा विजन यही है कि आज जो कामगार के हित में काम होना चाहिए, यही विजन है। आज कामगार हो, रिक्शा वाले हो, फेरी वाले हो, आज फेरी वाले के ऊपर कितना लूटमार चल रहा है, आज फेरी वाले को आप एक जोन दे दो, वो जोन में काम करेंगे, ताकि क्या कोई, आज क्या हो रहा है नगर से हफ्ता मुझे कैसा मिल रहा है वो चल रहा है काम। तो मेरा विजन यही है कि फेरी वाले, रिक्शा वाले, नगर पालिका के कुछ कर्मचारी, इनके लिए हित का कुछ होना चाहिए, उनके लिए एक रिजर्वेशन होना चाहिए कि बाबा ये तुम्हारा एक सोसाइटी है, ये तुम्हारा फुटपाथ है, ये फेरी वाले जोन है, ये रिक्शा स्टैंड है, बस ये लो प्रोफाइल का काम करना है। मुझे बिल्डर बिल्डर से कोई लेना देना नहीं, लो प्रोफाइल के जितने भी बंदे लोग हैं उनका, नागरिकों का हित का काम होना चाहिए, मेरा खुद की मांग है। संदीप राणे जी, आपने अपनी बात रखी मजबूती से, गरीबों के हितों की बात की, ट्रेड यूनियंस के हितों की बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। ये थे संदीप राणे जी, जिन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी। एक क्लियर मैसेज उन्होंने दिया है कि अगर मीरा भाईंदर में अगर आप करप्शन को अपनाओगे तो हमारी स्टाइल में फिर आपको एक्शन फेस करना होगा। उनकी स्टाइल क्या हम सभी जानते हैं। अमित सारस्वत, सुप्रीम समाचार, मुंबई।